नमस्कार, सोनिया डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ SMGS हॉस्पिटल के अंदर। आइए ले चलते हैं और बात करते हैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट गायनी डॉक्टर शशि गुप्ता जी से। आइए ले चलते हैं। जी मैम, ये बताइए जो आजकल लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ज्यादा बीमारी को लेकर, वो कौन सी हो रही है ये बताइए। देखो, दो तरह की पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, एक प्रेग्नेंट होती हैं, एक नॉन प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास आज के दिन में एक एनीमिया, जिसमें खून की कमी होती है, उसके बहुत पेशेंट्स आते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है उसके पेशेंट्स आते हैं। अब जो एनीमिया है वो प्रिवेंटेबल है, उससे मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ लेडीज़ को अपना जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन चेक कराना है, और उसके बाद दवाई खानी है आयरन की, और पूरे 9 महीने दवाई खानी है। यहाँ पे लेडीज़ अपना ध्यान नहीं रखती हैं, ना वो दवाई खाती हैं, और हरी सब्जियाँ जो कि एम्पल अमाउंट में हमारे रूरल एरिया में भी हैं, इसमें अर्बन में भी हैं, उनको वही खाना है। और एनीमिया की वजह से हमारे को जो पेशेंट्स आते हैं, इवन डेथ भी हो रही है उनके साथ। दूसरा प्रॉब्लम जो है हमारा प्रेगनेंसी के अंदर, ब्लड प्रेशर वाला है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, उसकी दवाई है, पर एक नोशन है कि भई दवाई नहीं खानी है प्रेगनेंसी में, उससे बहुत ख़राबी होती है। कई बार ये सोसाइटी को ही हमारा चेंज करना पड़ेगा कि उनको कह देते हैं कि हमने कौन सी खाई थी। अब उससे क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है तो दौरे पड़ जाते हैं, कई बार बच्चा तो मर ही जाता है, बच्चा दौरे में बड़ी बुरी हालत में पेशेंट्स आते हैं। आज भी हमारे पास जैसे पिछले 3 दिन से रोज़ पेशेंट्स आ रही हैं जो दवाई बंद कर देती हैं, उनकी आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम आ रही है, उनको रेटिनोपैथी हो रही है उनको, तो हम उनका बच्चा फिर निकाल देते हैं। तो अब ये पहले दवाई खा लेते, बच्चा भी टाइम पे निकल जाता और उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, इनको जानना चाहिए, दवाई खानी चाहिए। हम तो काउंसलिंग इन लोगों को करते हैं, बताते भी हैं भी दो खाओ, दवाई ज़रूर खाओ, पर मुझे लगता है कि सोसाइटी में थोड़ा चेंज चाहिए जो उनको बताएं कि क्या करना है। इसके साथ साथ मैम आप ये बताइए, जो लेडीज़ को मैक्सिमम लड़की अनमैरिड और मैरिड में, ये सोली को लेके मैम काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? जो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं उसमें हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं, एक लड़कियां आती हैं, एक हमारे पास जो आते हैं जो एल्डरली ग्रुप आता है। अब लड़कियों में आजकल एक जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, वो बहुत हमने राइज पे देखा है, क्योंकि बच्चों में एक ओबेसिटी, मतलब जो वज़न ज़्यादा है आजकल की लड़कियों का, वो भी हमने ज़्यादा देखा है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ऐसा नहीं है कि जिसको हम नहीं ट्रीट कर सकते हैं, बस उसमें भी मेडिसिन डायग्नोसिस और उसका मेडिसिन खाना है। तो बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है। कई पेशेंट्स आती हैं लड़कियां जिनकी जो महावारी है, मासिक जो आता है वो ज़्यादा आता है, तो उसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ हमारे प्राइमरी टेस्ट हैं वो हम करवाते हैं, फिर आगे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें ट्रीटेबल कॉजेज हैं ये PCOD और ये जो हमारा जो मेनोरेजिया के पेशेंट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग ज़्यादा होना, ये दोनों की अनमैरिड गर्ल्स हमारे पास आती हैं। तो मैं तो उनको यही कहूँगी, अगर किसी को ये प्रॉब्लम चल रही है तो चाहे अनमैरिड भी है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी दवा लेनी चाहिए और अपना इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए। दूसरा, एक रसोली किस्म की जो लेडीज़ हैं, पहले ज़माने में जब सिम्टम्स होते थे डायग्नोसिस मुश्किल होता था, आज कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ तो हम एडवाइस करते हैं, कुछ लेडीज़ अपने आप ही जाके अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। तो रसोलीज़ हमारे पास काफ़ी आ रही हैं, उसमें भी लोग, उसको ब्लीडिंग भी होती है, उसको देखते ही नहीं है, फिर 4 ग्राम 6 ग्राम बुरी हालत में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। पर अगर प्रॉब्लम है तो उसका हमारे पास समाधान भी है, तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर यंग एज में हमारे पास आजकल मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हैं, हम वो देते हैं, वो नहीं हो तो फिर चलो ऑपरेशन भी चाहिए तो फिर करना ही पड़ता है, तो पेशेंट्स को उनके पास जाना चाहिए, अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी चाहिए। सो मेरा तो ये लेडीज़ को है कि अपने लिए पहला वक्त निकालें, हम फैमिली का करते रहते हैं, बच्चों के लिए करते रहते हैं, पर अपने लिए भी तो टाइम निकालें। अगर आपको प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप उसी समय हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप जाते हैं, अपने लिए क्यों नहीं जाते हैं? अगर अपने लिए भी जाएंगे तो हमारी लेडीज़ स्वस्थ रहेंगी तो पूरा घर परिवार स्वस्थ रहता है। तो यही मेरा कहना है कि अपना। और मैम इसके साथ आप ये बताइए, जो हम बात करते हैं इसको रसोली को लेके, इसके क्या ऐसे मतलब क्या उपाय होने चाहिए कि जो हम बच सकें, क्योंकि इसका तो पता लगता नहीं मैक्सिमम पीरियड्स को लेके भी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, रसोली जो है हमारे हाथ में नहीं होता, इट्स नॉट अ प्रिवेंटेबल डिजीज़ कि हम ये कर लें तो ये नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कई बार फैमिलियल होता है, कभी बार उसकी वजह से होता है, ये कुछ ड्रग्स की वजह से भी नहीं होता, पर ये इनका जैसे मैं ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं, पेन होता है,
ऐसी प्रिवेंटेबल डिजीज़ नहीं है कि हम ये कर ले तो ये होगा, तो जो कुदरत से आ जाती हैं शुरू में ये बनाई नहीं होती हैं, इनका कैंसरस नहीं होती हैं, धीरे धीरे ये बढ़ती हैं, काफ़ी टाइम लगता है इनको बढ़ने में। तो हम एज वाइज हमारे पास ट्रीटमेंट है, हमने 30 तक हमने क्या करना है, 30 से 35 में हमने क्या करना है, 35 से 40 पे क्या करना है, हमें एज वाइज हमारे पास हैं। तो अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है आप उस समय डॉक्टर के पास आ जाएं, आपको ट्रीटमेंट है, आपके काफ़ी साल पड़े हैं, तो आपको स्टेज वाइज डिजीज आपको मिलता जाएगा। और कई लोग हैं रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मैम इसके साथ साथ जो जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं महामारी की, जो जिनको टाइम टू टाइम नहीं आती, टाइम वन मंथ आगे हो जाता है, बहुत कम आती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, एक महीना आगे पीछे जो 18 साल से कम की लड़की हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारी जो हार्मोनल एक्सेस है वो भी मेच्योर नहीं होती है, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी, डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, 18 साल के बाद अगर पेशेंट्स को देर देर में आते हैं तो हम कुछ रूटीन टेस्ट करवाते हैं और उसका हमारा मैनेजमेंट है, हम उसके हिसाब से हम चलते हैं। किसी को जल्दी आते हैं, कुछ जब जल्दी आती हैं तो उनका एनीमिया शुरू हो जाता है, उनकी खून की कमी शुरू हो जाती है। फिर देखो, बच्चों में अभी स्कूल में जाना है, हर थोड़ी देर में आप 15-15 दिन ब्लीड करें तो देखो उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, उतना वो उनका एक्टिविटी नहीं रहती है। तो इन पेशेंट्स को आपको लाना होता है, कई बार इनके अंदर हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिफेक्ट निकल जाता है, कभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स निकल जाते हैं, कई बार कुछ भी नहीं निकलता, फिर हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पर इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी होता है यंग गर्ल्स का। मैम इसके साथ आप ये बताइए कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ऐसा क्या घर पे कोई कौन सा काम करना चाहिए जो उनका जो बच्चा भी है वो भी ठीक ठाक रहे और वो खुद भी? नॉर्मल एक्टिविटी पेशेंट को करनी चाहिए कोई भी प्रेगनेंसी में, अनलेस कि हमें उसको कोई बीमारी है तो हम कहेंगे थोड़ा रेस्ट करो, अदरवाइज हर लेडी को नॉर्मल काम जो घर का है वो सब करना चाहिए। हाँ, दोपहर में कम से कम 1 या 2 घंटा रेस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज सब काम कर सकते हैं। बाकी मैम जो पब्लिक आपको बाहर देख रही है उनको सबको मैसेज क्या देना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं कहती हूँ कि हर लेडी को अपना स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना है, अगर हर लेडी अपना ध्यान रखेगी तो आपका घर परिवार ज़्यादा अच्छा चलेगा। लेडी स्वस्थ है, घर की औरत स्वस्थ है, तो बच्चे स्वस्थ हैं, आदमी स्वस्थ हैं, घर ठीक चलता है। और अपना ध्यान उसको खुद रखना है, क्योंकि लेडी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखा है पेशेंट बताते ही नहीं है कि हमें इतने इतने ओवेरियन कैंसरस ट्यूमर्स आते हैं, इतना पेट बड़ा हुआ होता है बीच में, मतलब उनका एडवांस स्टेज में हमें पकड़ते हैं, पर बेचारे बताते ही नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। तो उनको खुल के आना है, अपने जो परिवार वालों को बताना है कि हमें प्रॉब्लम है, जाने की कुछ लेडीज हैं खुल के बात नहीं करती तो उसका भी कारण उनका शिकार हो जाता, तो उनको खुल के बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम घर वालों से डिस्कस करनी चाहिए और बताना चाहिए, और घर परिवार ही तो उनको लेके आएगा ना। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम किसी को बताई नहीं है तो उसको कैसे पता लगेगा किसी को आपकी प्रॉब्लम? आप तो दिन का रोज दिनचर्या का काम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेडीज को लगता है अगर हम बैठ गए चले गए तो बच्चों का कौन करेगा, पर जब आप बीमार ज़्यादा हो जाओगे तब भी तो बच्चे का कोई तो करेगा। तो जब इनिशियल स्टेज में होता है, आपको कोई बीमारी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, आप ज़रूर जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट ले लें। इनिशियल तो हर चीज़ का है ट्रीटमेंट, जब ये कैंसर वगैरह एडवांस हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता, फिर तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है। मैम कुछ लेडीज लगा लो, आप अनमैरिड गर्ल्स पे लगा लो, कुछ फैमिली के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स पूरा डॉक्टर को बता नहीं पाती जो कि उनको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, उन लेडीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने तो पहले ही बोला, हर लेडी को, हर औरत को अपनी जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर के साथ खुल के बयान करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे एक्सपीरियंस, मेरे आज इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कई लेडीज़ को शादी से पहले दमा की बीमारी है, शादी समय बताते नहीं है, प्रेगनेंसी हो गई चुप करके दवाई खा लेते हैं, और जब हम इन्हें एनेस्थीसिया देते हैं या प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हमें पता लगता है इनको ये प्रॉब्लम है, पर पेशेंट तो खुल के बोलता ही नहीं है। पर अगर आपकी है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जैसे दौरे पड़ने की दवाई है, एपिलेप्सी बोलते हैं, नहीं बताते हैं ये लोग, हार्ट डिजीज़ है, कई बार आते हैं नहीं बताते हैं, वो तो यहाँ आके जब हम कई बार इमरजेंसी में आती है तो पता लगता है आपको तो ये बीमारी है, तो उससे क्या उनकी मोर्टैलिटी और मोर्बिडिटी जो है ना बढ़ जाती है, सफरिंग बढ़ जाती है। तो आपको इन चीज़ों से सामना करना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए, घर वाले क्यों रिएक्ट नहीं करें, क्या ज़रूरत है रिएक्ट करने की? आप उनका साथ देंगे और हस्बैंड्स को है कि किसी को बीमारी है साथ दो, आज शादी से पहले लगी है बाद में भी लग सकती है जी, आदमी को भी पहले भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है, तो छुपाना नहीं चाहिए। तो वो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ की आती हैं, घर वालों से छुपाती हैं, उधर से डॉक्टर से छुपाती हैं, और फिर उसके बाद वो खुद ही सफ़र करती हैं उसके लिए। तो मेरा तो ये है कि आप खुल के बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, उससे समाधान मिल जाता है जी। मैम इसके साथ साथ ये बताइए, कुछ लेडीज़ को, कुछ गर्ल्स को लुकोरिया की सफ़ेद पानी का आना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस होती है, उस बारे में क्या कहेंगे आप?
देखो वीकनेस अलग है, लिकोरिया अलग है, वाइट पानी मेरिड में अलग है. अब वीकनेस तो जनरल वीकनेस है. लोगों को क्या होता है कि जैसे सपोज एनीमिया बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, खून की कमी बहुत कॉमन है, तो लड़कियों को कम उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. और जो सफ़ेद पानी आता है वो हर लेडी के अंदर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है. तो अगर इनके लिए डॉक्टर के पास जाए, काउंसिल जब हम करते हैं तो जैसे माहवारी से पहले पानी थोड़ा चलता है या माहवारी के मिड साइकिल पे चलता है, वो नॉर्मल चीज़ है जिसको आम जनता को मालूम नहीं है. वो सोचते हैं कि हमेशा बीमारी हो गई है, वो बीमारी नहीं होती. अनलेस कि वाइट पानी में जो आ रहा है उसमें स्मेल हो, अगर स्मेल हो दैट मीन्स कुछ इन्फेक्शन हो. तो नीचे जो हाइजीन आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए. हर औरत को अपना पैंटीज वगैरह सब चेंज करनी चाहिए, नीचे वाला पोर्शन धोना चाहिए, और उसके बाद अपना जो क्लीनिनेस अपना जितना रखेंगे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती. और जब शादी के बाद अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार ये इन्फेक्शन होता है या बच्चे जाने के मुंह के कई बार जख्म हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम. उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए और जो ट्रीटमेंट बताते हैं उसका है. और हर एक का समाधान है, और माइनर ट्रीटमेंट होता है, माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं वो समाधान करना चाहिए. तो हर लिकोरिया वो जो है पैथोलॉजिकल नहीं होता, बीमारी नहीं होती, ये नॉर्मल भी हो सकता है. नॉर्मल के लिए हमें काउंसलिंग करके हम डेज पूछते हैं कौन से टाइम पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम काउंसिल करके हम इनको दे देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं. मैम इसके साथ साथ छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे. मैक्सिमम लोगों को ये भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो वीपी जो है वो हाई और लो हो जाता है. जब हाई होता है लो होता है, उसमें क्या ऐसा करना चाहिए मैम? देखो ब्लड प्रेशर नॉर्मली कांस्टेंट रहता है. ये गलत फहमी होती है कि हमारा हाई हो गया तो आज लो हो गया. अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको दवाई खानी है. दवाई खा के फिर एक लेवल पे डॉक्टर से हम टाइट्रेट करके हम उस पर एडजस्ट कर देते हैं उनकी दवाई. फिर चार चार महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएं या मंथली आप ब्लड प्रेशर चेक कराएं. अगर आपका ठीक चल रहा है, जम्मू में आदत है कि आज मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया दवाई के साथ, वो दवाई बंद कर देंगे, तो थोड़े दिन के बाद फिर वो राइज कर जाता है. सो अगर ठीक हुआ दैट मीन्स आपकी इतनी दवाई के साथ आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, उतनी दवाई आपको खानी ही है. तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं लो हो गया, हाई हो गया. और लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती. लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती अनलेस कि किसी को कोई प्रॉब्लम है. अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के अंदर अगर 100/60 बीपी है वो कम नहीं है, या 90/60 है, किसी की अपनी अंदरूनी वैसा ही रहता है, वो उस पेशेंट के लिए नॉर्मल है. उसके लिए आपने खुराक ही अच्छी खानी होती है और अपना नॉर्मल खाना वाना खाएं. कोई अगर सब्स्टिट्यूशन चाहिए होता तो डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं. अदरवाइज लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती अनलेस कि उसकी कोई अपनी वजह हो. बेवजह जो ब्लड प्रेशर कहते हैं कि मेरा आज 90/60 हो गया फिर ठीक हो गया, दैट मीन्स आप प्रॉपर खाना खाइए, अपने कोई चेकअप्स जो हैं रूटीन टेस्ट करवा लीजिए. अगर वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल उस पेशेंट के लिए उतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है. मैम लो में ऐसा क्या करना चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि कॉफ़ी पीनी चाहिए उनको या नमक भरा पानी पीना चाहिए, आप क्या कहेंगे लो में? देखो लो ब्लड प्रेशर मैंने कहा कोई बीमारी नहीं होती. सपोज़ आपने आज ब्लड प्रेशर चेक कराया, आपका 90/60 है, हो सकता है आपका बेसिक ब्लड प्रेशर ही इतना है. अब वो 90/60 को लेके आप आज दो कप कॉफ़ी पी लेंगे, कल क्या करेंगे? सो आपका ब्लड प्रेशर ही इतने पे, आपकी बॉडी इतने पे स्टेबल है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक फील करते हैं, आपकी एक्टिविटी नॉर्मल है, तो आपके बॉडी उस ब्लड प्रेशर पे मेंटेन है. पर हाँ, किसी का ब्लड प्रेशर 140/80 रहता है या 130/80 है और सडनली उसका 90/60 चल रहा है, दैट मीन्स अगर वो दवाई खा रहे हैं ज़्यादा तो नहीं डोज खा रहे हैं, और अगर कहीं कम हुआ है, कहीं वॉमिटिंग्स तो नहीं हो रही, कोई टटियाँ तो नहीं लग रही, कोई मेडिकेशन की वजह से तो नहीं है, उसमें आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है. अदरवाइज नॉर्मल बंदे में, नॉर्मल गर्ल के अंदर अगर उसका उतना रहता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मल है, उसको कोई कमजोरी नहीं फील होती, तो 90/60 उसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि दो ग्लास नमक वाला पानी पी लिया तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो उसका फिर मेंटेन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है. पर हाँ, किसी का कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें बड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, एड्रिनल्स की होती हैं, उसमें वो पैथोलॉजिकल होता है, उसमें फिर 200 तक ब्लड प्रेशर जाता है, नीचे आता है, फिर वो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होते हैं. अदरवाइज नॉर्मल जो आप देखेंगे, जी आज मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ, मैंने एक बीकासील का कैप्सूल खाया, मैं ठीक हो गई, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि आपने एक कैप्सूल खाया तो आप ठीक हो गए. आप ये जनता की हमने बड़ी धारणाएं देखी, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं आज मेरे को बड़ी कमजोरी थी, मैंने एक बीकासूल खाया, मैं नॉर्मल. बट एक बीकासूल से नॉर्मल नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको लगता है मैंने कुछ खा लिया और ठीक है. तो आपने डाइट प्रॉपर करें, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, दूध पिएं, पानी एडिक्वेट क्वांटिटी में पिएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैम इसके साथ साथ में कुछ लेडीज़ को देखा है मैंने, जब प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ टेस्ट करवा के पता कर लेती हैं कि अगर वो बेबी जो गर्ल है तो उसको ख़त्म करते दवाई खाते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज दोगे आप?
देखो आज के ज़माने में कोई सेंटर ऐसा नहीं है जो आपको बताए कि लड़का है कि लड़की है। ये तो अपनी भावना ही है कि आप लड़का या लड़की। और आजकल लड़कियां नहीं अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर आज ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे PCPNDT एक्ट लगा हुआ है, उसके हिसाब से कोई नहीं करता है। ये जो बंदे हैं, जो लेडीज़ अपना, ये देखो ना, इसे मेंटल आपका चाहिए। आप एक लड़की को कैसे फेंक सकते हो? आप अपना बच्चा कभी फेंक सकते हो? सो इनको हमारी सोसाइटी को चेंज होना है, काउंसलिंग करनी है। अगर बच्ची हैं उनको एग्जाम्पल्स देने चाहिए कि आज हम भी तो लड़की हैं, हम भी तो कितनी आगे तक पहुँचे हुए हैं, हम भी किसी की लड़की हैं। सो ये काउंसलिंग चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चे उसी पेट में ख़त्म कर दिए जाते हैं, या कोई निकाल देता है, या फिर कचरे में फेंक जाते हैं। कभी कभी कचरे में मिले हैं बच्चे, पर वो तो उन लोगों की गलती है कि वो लड़कियाँ खुद भी तो लड़कियाँ, लड़की को जन्म दिया। अगर उनकी माँ ने फेंका होता तो उनको कहाँ से बंद मिलता? तो लड़कियाँ आज के ज़माने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो उनको ये मैसेज दूंगी, लड़कियाँ माँ बाप का ख्याल कर रही हैं। आजकल एजुकेशन देखो, लड़कियाँ कोई कम तो नहीं है। माँ बाप लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। जिनके पास लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, उतना ही पढ़ाई कराते हैं उनको भी। और लड़कियाँ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, कहाँ तक पहुँच गई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इनका मेरा यही मैसेज है कि लड़का हो या लड़की, परमात्मा से आपको ये दुआ करनी चाहिए कि मेरा जो बच्चा है हर अंग पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन के इतने बच्चे आते हैं, किसी का सिर नहीं बना, किसी का कुछ नहीं बना। तो ये दुआ करनी चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक हो, सब अंग पूर्ण हो, दिमाग उसका ठीक चले, और उसकी जो है हम अच्छा उसको पढ़ाएं, सो दैट उसकी किस्मत अच्छी रहे। सो इससे बेटर मैं इनको कहूँगी कि आज के ज़माने में लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता, उसको वैसा ही पालें। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, दो लड़कियाँ मैडम ऑपरेशन खुलवा लें। मैंने कहा क्या गारंटी है आपके पास लड़का हो गया लड़की, दो लड़कियों को ही पढ़ाओ अच्छे से। तो हमारे पास नित रोज आते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, फिर वो मान जाती हैं, ऐसा नहीं है। पर सोशल प्रेशर होता है, ये फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो ये हमें उन लोगों को चेंज करना है कि अपनी बहुओं के ऊपर या बेटियों के ऊपर ये इतना ज़्यादा वो नहीं डालें प्रेशर, कि सो दैट कि ये सब गलत काम करने के लिए उनको उत्सुक किया जाए। हाँ, हमारे पास बड़े पेशेंट्स आते हैं, मैं बताना लग, ये जो बाहर से दवाइयाँ खा के आ जाते हैं, बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, ऑन द काउंटर वो ले लेंगे टैबलेट, खा लेंगे, और उसके बाद ब्लीड करते रहते हैं। और कई बार शॉक में पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि बाहर से दवाई खा के आते हैं, जान पे खेल के आते हैं, और इतने दिन ब्लीडिंग चलती रहती है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप हमारे सेंटर्स पे आएँ और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दवाई दे दी जाएगी और आपका बच्चा गिरा दिया जाएगा अगर आपको नहीं चाहिए। अगर 2 महीने का बच्चा है या 1.5 महीने का बच्चा और आप नहीं चाहते हैं तो आप आओ। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में हम लोग ये करते हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है, MTP एक्ट है, उसके जो दायरे में आता है हम उनके बच्चे गिराते भी हैं, पर हम प्रॉपर मेडिसिन दे के जाते हैं, सो दैट कि वो उनकी हालत ना ख़राब हो। बुरी हालत, मरती हुई हालत में लोग आते हैं, उसकी हमने कई बार कंप्लेंट भी करी हैं, बट कुछ नहीं कर सकते। आदमी लाते हैं, उनको दवाई खिलाते हैं। इन आदमियों को यही है कि एक तो काउंटर पर मिलनी नहीं चाहिए, और ला के अननेसेसरी दवाई बीवियों को नहीं खिलानी चाहिए, सो दैट कि उनकी जो हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, ये नहीं करना। इसके साथ हम क्या लगता है कि जम्मू में आज की डेट में सुधार आया, वो लड़कियों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके आपके पास कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो लड़कियों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये आज के ज़माने में कभी हमें ऐसा दिखा नहीं है, जैसे रिसेंटली तो ऐसा कभी दिखा नहीं है कि जो लड़की को होते ही मुँह बनाए या कुछ ऐसा। क्योंकि आजकल बच्चे तो 3-4 बच्चे वाली भी आती हैं, उनका जो भी है वो एक्सेप्ट करते हैं। अभी ऐसा दिखने में तो नहीं आया। घर के जो फैमिली इश्यूज़ है वो तो यहाँ डिस्कस नहीं होते हैं, पर हमारे यहाँ तो हम उनको कहते हैं कि जो भी है आप इनको स्वीकार करो और लेते हैं। यहाँ से तो कोई ऐसा हमें दिखा नहीं है कि जैसे मुंह बनाया हो या किसी ने कुछ करा हो। हाँ, किसी की तीसरी चौथी होती है वो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे हम कई बार सिजेरियन करते हैं, तीसरा बच्चे पे करा, दो लड़कियाँ थी अब लड़की हो गई है, तो हम कहते हैं ऑपरेशन करवा लो, खुला हुआ पेट है बंद करवा लो। वो एक्सेप्ट वो नहीं मानते हैं अभी, उतना अभी अवेयरनेस चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि ठीक है जो है सो है, हम दूसरे पे भी करवा लेंगे। कुछ एक तबका ऐसा है कि जो 3 के बाद भी नहीं करवाते हैं और पेट खुला है, वो हम कहते हैं कि भी करवा लो पेशेंट के लिए अच्छा है, पर वो नहीं मानते हैं। पर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकती, ये तो पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर्सनल डिसीजंस हो जाते हैं, तो उसमें हम डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, पर हम उनकी काउंसलिंग ज़रूर करते हैं कि अगर मान जाएँ सो दैट की लेडी की हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है। तो अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मुँह बना के हमें लड़की कहें कि हम नहीं लेके जाते हैं, ऐसा कोई हमारे पास नहीं है, रेडीली एक्सेप्ट करते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशि गुप्ता जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट गायनी की तरफ से। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, सोनिया डोगरा, यंग बाइट, नमस्कार।